दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपके शरीर में जो खून बहता है वो लाल रंग का होता है तो सही सोच रहे हो यार। पर यह भी बात सच है कि हमारे शरीर में लाल खून के अलावा हरा, बैगनी और नीला रंग के साथ साथ सफेद खून भी मौजूद है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये बात पता ही होगा। आपको तो पता ही है कि इंसान की जो आँख की पुतली होती है वो कभी ग्रोथ नहीं होती। यह बचपन से ही जितना बड़ा होती है बुढ़ापे तक भी इसका साइज यही रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता। पर नाक, कान एक ऐसा इंसानी भाग है जो मरते दम तक बढ़ते रहते हैं और इसके अंदर ही आता है बाल। दोस्तों, अगर आपको कोई ये बोले कि आपके दांत पीले हैं तो आप उस बात को मान लेना, क्योंकि आपके दांत पीले हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे आपको कि आपका दांत बहुत कमजोर है तो ये बात आप कभी भी नहीं मानना। आप इसे झूठ समझना, क्योंकि आपका जो दांत है वो दांत एक शार्क मछली के दांत के जितना मजबूत होता है। एक वयस्क व्यक्ति के पेट में लगभग 67 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आपका जीभ जो शरीर का बड़ा ही अद्भुत अंग है, और दोस्तों, और आपका जो जीभ है ये 0.015 सेकेंड के अंदर किसी भी चीज का स्वाद का पता लगा लेता है। मानव शरीर ईश्वर की एक ऐसी सुंदर रश्मि संरचना है जिस पर हर रोज रिसर्च करके इसके नए नए पहलू सामने आते रहते हैं। हमारे शरीर के सारे अंग अद्भुत हैं जिनके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। आपको पता है हमारी आंखें दुनिया में मौजूद सभी चीजों को नहीं देख सकती। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकती, जैसे एक्सरे, यूवी रेज, कई प्रकार के तरंगे और डार्क मैटर। दोस्तों, आप अपने दिमाग के न्यूरॉन को जब किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो इसमें से आपको एक जाल की तरह संरचना दिखाई देगी। जब आप इसे ब्रह्मांड की संरचना से मिलाएंगे तो आपके दिमाग का न्यूरॉन और हमारे अंतरिक्ष का मिल्की वे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब आप किसी के आंखों में गौर से देखेंगे तब आपको कुछ पतली पतली कम नजर आने वाली छोटी छोटी नसें दिखाई देंगी, और इन सब नसों को ऑप्टिकल नर्व के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि ऑप्टिकल नर्व आसमान से गिरती हुई किसी बिजली की तरह दिखाई देती है। आप इन सब को एक संयोग मान सकते हैं, लेकिन सच तो यही है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? एक बार फिर से ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं शरीरी अंग के बारे में। तो हमारा शरीर ही, यानी कि आपका शरीर ही, आपका सकीन ही सबसे बड़ा अंग है। आपके शरीर में स्पेडियस सबसे छोटी मांसपेशियां होती हैं, जो कान के अंदर मौजूद होती है। तो दोस्तों, ये फैक्ट्स और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाएं यार। धन्यवाद।